उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं यूट्यूब पे जा रहे तो कोई फेक ही होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी वहाँ पर। अच्छा, सब लोगों ने बोला ऐसा? हाँ ठीक है। अब मुंह तक लेकर आओ, ले आओ पूरा, अच्छा ले तो आओ, मुंह तक तो आ ही रहा है। ठीक है स्टॉप। ये कोहनी के बल गिरने या कोहनी में चोट लगने से हो सकती है। ये समस्या मोच और हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से भी हो सकती है। इससे रोगी को और अधिक पीड़ा होने और उसकी स्थिति और खराब होने की आशंका होती है। इसलिए ऐसी किसी भी तरह की चोट के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहतर है। करो पूरा हाथ, फिर मोड़ो, आप पूरे हाथों में अपने चेहरे पर हाथ लगाओ, गर्दन पे सब कुछ, पीछे गर्दन पे भी। अब मेरी साइड आओ, मेरी साइड देखो ऐसे। हाँ, आप बिल्कुल स्ट्रेट करो हाथ पूरा आगे से। हाँ, अब मोड़ो पूरा। हैप्पी हो? तो ये हमारे पास इलाहाबाद प्रयागराज से आए थे। इनको एक साल पहले जो ये कोनी है, यही जिससे इन्होंने ये माइक पकड़ रखा है, ये कोनी गिरने के कारण जाम हो गई थी और इसमें सिर्फ इतना ही मूवमेंट था। ये हमारे पास एक साल बाद आई थी और ये लेडी हमारे पास 10 दिन इन्होंने वेट किया, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था और ऑपरेशन की डेट नहीं मिल पा रही थी और हस्बैंड भी फिर नहीं थे उस टाइम, और फिर उन्होंने हमसे ऑपरेशन कराया। आज सिर्फ 3 हफ्ते हुए ऑपरेशन के बाद। और अपना हाथ का मूवमेंट करके दिखाना मैडम, ज़रा पूरा साइड से करके दिखा दो पूरा। हाँ, और मोड़ो, सीधा करो। ठीक है, अब इनसे पूछते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम कैसे हुई थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था और इनको इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत पड़ी। सर, हमारा जो है पैदल जा रहे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और फिर हमने पास में ही मैंने पकड़ रखा। ठीक है, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने 45 दिन का प्लास्टर बांध दिया। उसके बाद हमारी कोहनी जाम हो गई तो उन्होंने बोला एक्सरसाइज करो, तो हमने एक्सरसाइज किया। साल भर तक इंतज़ार करने के बाद हमने यूट्यूब चैनल पर सर्च किया, फिर मैंने आपको देखा, तो मैंने जब कई महीने रिसर्च किया आपको, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सर के पास ही जाना है। तो फिर वहाँ मैं आई हूँ, आपसे मिली, आपने मुझे सेटिस्फाई किया कि नहीं ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा, तो मेरा ऑपरेशन हुआ और आज पहले से काफ़ी हालात बेटर है, बहुत अच्छा। कितने टाइम दवाई दी थी हमने आपको? सर, 5 दिन की दवा दी थी। पहले आप कितने टाइम दवाइयाँ खा रहे थे? 1.5 महीना 2 महीना दवा सर उन्होंने खिलाया है। ठीक है, और एक्सरसाइज में कितना टाइम देते थे आप पहले? चोट लगने वाले जब हमसे ट्रीटमेंट कराने से पहले आप कितना टाइम एक्सरसाइज करते थे? सर, 1 घंटा। और मतलब एक साल से डेली एक घंटा? हाँ, फिजियोथेरेपी भी हमने बहुत कराया सर, 3 महीना लगभग कराया, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिला। ठीक है, और हमने कितना आपको कोई फिजियोथेरेपी का भेजा था हमने आपको? नहीं, सेल्फ बोला था कि सेल्फ करो। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन से तो डर लग रहा होगा? हाँ सर, मैं नर्वस थी क्योंकि घर वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे, अब मैं अपने ही मतलब कि रिस्क पर आई थी कि नहीं मुझे जाना है तो मित्तल सर के पास ही जाना ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ऑपरेशन से डर लगता है? नहीं, अब तो करवा सकते हो और भी ऑपरेशन? पक्का है ना? हाँ बिल्कुल श्योर। कोई दर्द होता है ऑपरेशन में? नहीं, पता ही नहीं चलता है। और ऑपरेशन के बाद कोई दर्द दिया हमने आपको? नहीं, आप तो दूसरे दिन ही हाथ हमारा मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया था। हाँ ठीक है, आपने किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे आपने जब ट्रीटमेंट चल रहा था? मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे जिसकी सर हाथ में मतलब स्टिप भी हो गया था, किसी किसी का ये हाथ बिल्कुल नहीं चला था, उंगली बिल्कुल भी नहीं वो हो रही थी। मैंने ऐसे लोगों बहुत सारे पेशेंट को देखा। कहाँ से आए हुए थे सारे लोग? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से थे ना? हाँ, बहुत सारे पेशेंट। हमसे किसी को देख के डर लगना चाहिए, परेशान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप हमसे फोन से पूछते कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा तभी हम आपके पास आए, नहीं तो नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन अगर नहीं सर पूछे तो ये उसका नुकसान हो रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है? सर, उसका नुकसान होगा। क्यों हो रहा है ये बता दो जरा सर, क्योंकि जब तक हम आएंगे नहीं आपके पास, अपनी मतलब प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, दिखाएंगे नहीं, हमको कैसे समझ में आएगा कि हम सही हो सकते कि नहीं। ठीक है, जब आप हमारे पास आए थे तो हमने क्या देखा था, क्या बताया था हमने ऑपरेशन से पहले? सर, आपने बताया था इसका ऑपरेशन होगा और 100% सक्सेस होगा सर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंटों को सही होते हुए देखा है। हाँ ठीक है, तो आप खुश हो हमसे? बिल्कुल, बहुत पक्का है। हाँ सर, आप जैसे इनके हस्बैंड हो, इन्होंने मुझे ढूंढा था, एज ए आदमी हमेशा शक की नज़र से देखता है किसी भी आदमी को कि ये तो टाइम पास है, फ्लॉप है, या ऐसे ठीक होना होता तो हमारे यहीं ठीक हो जाता। हाँ, वहाँ पे कौन से नए दूध के दूध ले डॉक्टर बैठे हैं, है ना, ऐसा आदमी ऐसा सोचता है। तो आपके दिमाग में क्या विचार आया था और आज वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये और बता दो ज़रा लोगों को। पूर्ण रूप से अपने हाथ में रख लो और ये चलो मैंने पकड़ लिया। पूर्ण रूप से हम जो है बिलीव है नहीं, ऑपरेशन से पहले ही जब इन्होंने कहा कि जयपुर जाना है तब आपको नहीं सर ऐसा कोई विचार नहीं आया? नहीं, कोई विचार नहीं था कि मैं भेजूं,
तो पत्नी जो है स्वयं अपना डिसीजन लेके नहीं मुझे वहीं कराना है, तो हमने इनकी बात को रखा कि नहीं ठीक है चलो जब तुम्हारी मन है तो मैं वहीं ऑपरेशन करा देता हूँ, तब ये यहाँ पे आए। आपको देख के कैसा लगा हमें कि यार ये तो सिंपल सा डॉक्टर लग रहा है, ये ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं सर? ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ आने के बाद जब मरीजों से मैं मिला, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मरीज उपलब्ध थे और उनकी मैं कंडीशनें देखा, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो उनका ट्रीटमेंट हो चुका था, तो थोड़ा सा हमारा भरोसा जो है बढ़ा। ओके जी मैडम, आपको बाकी लोगों के क्या क्या कमेंट थे हमारे पास आने से पहले? सर मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि दूर के दो सुहाने लगते हैं। हाँ। तो मतलब एक तरह से मैं डर भी गई, लेकिन मैंने फिर भी आया कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे देख के जा रहे हो कोई भरोसा नहीं होता है। अच्छा। सब ने मुझे ये कहा। हाँ। कई लोगों ने कहा, यहाँ पे मऊ में मैं दिखाई थी तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं यूट्यूब पे जा रहे तो कोई फेक ही होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी वहाँ पर। अच्छा, सब लोगों ने बोला ऐसा? हाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए आंसर है जब भी जिनको जो प्रॉब्लम होती है वो यूट्यूब में बिल्कुल फेक होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट आदमी उसमें मिल रहा है, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी के कारण जो एक्सपर्ट लोग हैं अपनी प्रेजेंटेशन आजकल डिजिटल के थ्रू दिखा रहे हैं, अगर वो डेली इसी टाइम का काम इसी टाइप का काम कर रहा है तो आपको 100% उससे कराना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। हर एक्सरसाइज का रोल है लेकिन उसका लिमिटेड टाइम है, 3 मंथ्स 2 मंथ्स 6 मंथ्स, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो उसमें लग रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है। किसी चीज़ का भी एक्सेस ट्रीटमेंट लेना अगर उसमें ठीक नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर एक्सपर्ट आदमी से भी अगर आप ठीक नहीं हुए तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है आपको, और ये कहना है कि बेस्ट आदमी से कराकर ठीक नहीं हुआ इसका मतलब प्रॉब्लम बेकार है। तो मैं जब भी इस टाइप की एल्बो की इंजरीज आती हैं उन पेशेंट्स को क्या बताता हूँ, उनकी कभी कार सीटी एमआरआई या कुछ एग्जामिनेशन करता हूँ उनकी नर्स को और बाकी नसों को, अगर मेरे को उसमें लगता है कि नसें टाइट हैं और जॉइंट का पार्ट ठीक है तो मैं उनको ऑपरेशन करके काफ़ी चीज़ें बोल सकता हूँ कि आप बेटर हो सकते हो। जिनका जॉइंट ख़राब होता है उनमें मेरे को ये प्रॉब्लम रहता है आर्थराइटिस डेवलप का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई आता है और वो इतनी ट्राई करा चुका है 2-3 ऑपरेशन करा चुका है तो हम उसको ख़राब बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे केस कर चुके हैं जो इनको उनका जो मूवमेंट है बहुत बेटर हुआ है और वो बहुत खुश है। तो ये जो लेडी है इनका जो मेरे प्रति कॉन्फिडेंस था और जो मैंने इनको एक्सरसाइज बताई थी वो इन्होंने करी, अगर वो नहीं करती तो ठीक नहीं होती। ये 3 वीक्स का जो टाइम है जिसमें इन्होंने इतनी मेहनत करी है जो कि देखने में बड़ी सिंपल लग रही है। जो लोग हमें जज करते हैं कि डॉक्टर सिंपल है या यूट्यूब वाला है, तो आप सब लोगों को मैं बता दूं मैं जयपुर में नंबर 1 डॉक्टर में आता हूं, मेरी डिग्री नंबर 1 में आती है और मैं डेली सुबह शाम इसी का काम करता हूं और मेरे को इसी को काम करने में मज़ा आता है, ये मेरा पैशन है।